और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। मॉस्को में लंच और क्रेमलिन में घुसकर डिनर का इरादा रखने वाले वैगनर ग्रुप के तेवर शाम होते होते ढीले पड़ने लगे। योगनी प्रिगोजिन, जिन्होंने की रूसी रक्षा मंत्री को फांसी पर लटकाने की कसम खाई थी, वो उससे अब मुकर गए हैं। तो आखिर इन 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ज़ॉम्बी आर्मी की का इरादा हर मिनट बदलता गया और वो अपने पुराने अड्डे की तरफ कूच करने लगी? इस रिपोर्ट में जानिए उन 12 घंटों में हुई बड़ी डील के बारे में। मॉस्को से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब येवगेनी प्रिगोजिन रोस्तोव पर कब्जे के बाद अपने जवानों का हौसला बांधते दिख रहे हैं। येवगेनी अपने लड़ाकों से हाथ मिलाते हैं, उन्हें चीयर्स करते हैं, उनके जोश पर दम भरते हैं। दूसरी तस्वीर देर रात की है जब येवगेनी की बटालियन रोस्तोव छोड़कर अपने हथियारों के साथ अपने अड्डों पर वापस लौट रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि क्रेमलिन पर कब्जे का इरादा रखने वाले येवगेनी प्रिगोजिन अपने वचन से मुकर गए, अपनी कसम को भूल गए और अपने सिपाहियों के साथ अपने पुराने अड्डे पर लौट गए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्या हुआ कि रोस्तोव पर कब्जा करने के बाद रूस की बड़ी इमारतों पर अपनी धाक जमाने वाली ये ज़ॉम्बी आर्मी इतनी आसानी से अपना काफिला लेकर रवाना हो गई? रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को फांसी देने वाली धमकी को भूल गई और रूस के साथ जंग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गई? दिमित्री पुतिन के खास कहे जाते हैं जो दावा कर रहे हैं कि वैगनर के साथ उनकी सुलह हो चुकी है और वैगनर ग्रुप अपने योद्धाओं के साथ अपने इलाकों की तरफ कूच कर रहा है, जो अब दावा ये कर रहे हैं कि वैगनर की बातों को महायुद्ध में अनसुना नहीं किया जाएगा, वैगनर ग्रुप की सोच को भी तरजीह मिलेगी, उनके साथ रूसी सेना अच्छा बर्ताव करेगी। इतना ही नहीं, येवगेनी के खिलाफ खुली मौत की फाइल को भी बंद कर दिया जाएगा, हर फैसले को वापस लिया जाएगा। पुतिन के इस फैसले के बाद जाहिर तौर पर जेलेंस्की की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि रूस में गृह युद्ध की आग से जेलेंस्की को जहां अपनी जीत की किरणें नजर आई थी वो वैगनर ग्रुप के लौटने के साथ ही ढल गईं। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया में यहां तक दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से बेलारूस की यात्रा के दौरान येवगेनी की सुरक्षा का वादा किया है और उसके साथ बराबरी का व्यवहार करने की बात कही है। रूस के शहरों में जिस जोश के साथ वैगनर के लड़ाके घुसे थे वो उनके हौसले की एक छोटी सी तस्वीर थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के घुसपैठ के दौरान 15 रूसी सैनिकों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर हेलीकॉप्टर पायलटों की मौत का दावा किया जा रहा है। मॉस्को की तरफ कूच का इरादा रखना और रूस के शहर पर कब्जे का मकसद जो भी हो, लेकिन वैगनर ग्रुप ने यह साफ कर दिया है कि अगर महायुद्ध के मैदान में उनकी नहीं चली तो वो क्रेमलिन के किले में भी घुसने का दम रखते हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उनके सभी लड़ाकों ने रोस्तोव में रूस के सैन्य मुख्यालय को खाली कर दिया है, जिसके बाद उनके बेलारूस लौटने का दावा किया जा रहा है। और इससे पहले खबर ये थी कि उन्होंने कुछ प्रमुख मुख्यालयों को घेर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है और उसके बाद समझौते की बातचीत चली है, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि वो अब यूटर्न ले चुके हैं। और ऐसे में कल मुख्यालय पर जब कब्जा करने की खबर आई थी उसके 12 घंटे बाद उन्होंने ये मुख्यालय भी खाली किया और अपने इरादे भी बदल दिए।
अब आपको बताते हैं कि पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की है। पुतिन की वैगनर आर्मी क्या है? वैगनर ग्रुप की स्थापना दिमित्री युटकिन ने की थी और हिटलर के संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर ही इस ग्रुप का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि अभी यवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख है, यानी मुखिया है, और ग्रुप पर हर महीने 8 अरब 28 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है। वैगनर ग्रुप में 90% लड़ाके पूर्व कैदी बताए जाते हैं। साथ ही वैगनर ग्रुप में हत्यारे, बलात्कारी, ड्रग्स माफिया भी शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेन में 50,000 से ज्यादा लड़ाके शामिल हुए हैं और इसके अलावा सीरिया युद्ध में भी इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई और बड़ी तादाद में वैगनर ग्रुप के लड़ाके वहां मौजूद रहे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है रस्तोव से। जिस वक्त वैगनर सैनिक बाहर निकल रहे थे तो वहां के लोगों ने उनके प्रति समर्थन दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे और वैगनर के नारे लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, वैगनर आर्मी का लगातार समर्थन वहां के स्थानीय लोग करते हुए दिखाई दिए और वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रस्तोव रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक लंबी कतार भी नजर आई थी और दावा है कि वैगनर के ये कब्जे के बाद से लोगों में काफी डर का भी माहौल था। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह से लोगों में डर है, दहशत देखी जा रही है। रस्तोव छोड़कर दूसरे शहरों में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से रस्तोव स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखाई दी है। पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप का रुख थोड़ा नरम पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन पुतिन के खिलाफ वैगनर की बगावत सवाल खड़े कर रही है। जो रसोईया पुतिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे कर ली है? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा तो ये भी है कि वैगनर की बगावत के पीछे दरअसल जेलेंस्की और नेटो की लीडरशिप भी शामिल है। आखिर कैसे ये पूरी योजना बनाई गई होगी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। वैगनर की बगावत, पुतिन का रूस हैरान है कि आखिर पुतिन के टुकड़ों पर पलने वाला रसोईया वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया, जो अब सीधे मॉस्को पर ही हमला करने के लिए निकल चुका है। जरा देखिए वैगनर चीफ कैसे रूस को धमकी दे रहा है। जेलेंस्की का मोहरम, वैगनर की बगावत। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैगनर चीफ का इस तरह से विद्रोह करना हैरान करने वाला है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक रूस ने लगभग नाकाम कर दिए हैं। 4 जून से यूक्रेन रूस पर 5 इलाकों से हमले कर रहा है, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी यूक्रेन की सेना रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति तक को भेद नहीं पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जंग के मैदान में पुतिन की जीत के बीच अचानक रूसी सेना पर वैगनर ग्रुप ने हमला क्यों किया है? क्योंकि वैगनर ने रूसी हेलीकॉप्टरों को तबाह किया, रोस्तोव में रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर वैगनर ने कब्जा किया। क्या ये नाटो और जेलेंस्की का कोई बहुत बड़ा वॉर प्लान है? यूक्रेन के काउंटर अटैक फेल हो रहे हैं और वैगनर कहीं ना कहीं यूक्रेन को बचा रहा है।
कमजोर यूक्रेनी सेना रूस में घुसकर हमला नहीं कर पा रही है, इसलिए वैगनर अब रूस में घुसकर हमला कर रहा है। वैगनर इस वक्त नाटो और यूक्रेन के इशारे पर बड़ी बगावत कर रहा है ताकि रूस के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किया जा सके। अगर वैगनर रूस में गृह युद्ध शुरू करा देता है तो फिर यूक्रेन रूसी सेना पर काउंटर अटैक तेज करके अपने इलाकों को हासिल कर लेगा। पुतिन का भी साफ कहना है कि वैगनर जानबूझकर रूस के टुकड़े करवाना चाहता है, रूस के अंदर पहले से मौजूद विद्रोहियों को वैगनर मजबूत करना चाहता है और आखिर में 62 साल का वैगनर चीफ येवगेनी बेरोगजिन पुतिन को सत्ता से हटाकर अमेरिका, यूक्रेन और नाटो की मदद करना चाहता है। येवगेनी बेरोगजिन ये भी चाहता है कि उसे रूस में सत्ता में सबसे ताकतवर रुतबा मिले। वैगनर की इसी चाल और साजिश को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भांप चुके हैं और इसीलिए वो साफ कह रहे हैं कि रूस की पीठ में छुरा घोंपने वाले वैगनर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वैगनर ने ऐसे वक्त में बगावत की है जब रूस एक साथ यूक्रेन समेत 81 देशों से जंग के मैदान में अकेले मुकाबला कर रहा है। और पुतिन के खिलाफ बगावत करने का दुस्साहस आखिर योगिनी प्रिगोजिन के पास ये आया कहां से, और इस घटना को लेकर के विदेशी मामलों के जानकार भी अब अपनी राय रख रहे हैं। जी हां, विदेशी मामलों के जानकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बड़ी घटना इसे मान रहे हैं और इन सबके बीच सवाल बरकरार है। सवाल यह है कि क्या ये नेटो और जेलेंस्की का कोई बहुत बड़ा वॉर प्लान है, और क्या बगावत का ऑर्डर अमेरिका से तो नहीं आया था, ये एक बड़े सवाल भी हैं। और इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों डिफेंस एक्सपर्ट्स इस थ्योरी पर यकीन भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मोहरा, वैगनर की बगावत। обращаюсь гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. पुतिन के तेवरों से साफ है कि अगले 24 घंटे के अंदर वैगनर ग्रुप पर बेहद तीखी कार्रवाई होगी। पुतिन ने दो टूक समझा दिया है कि रूस क्या करने वाला है। जरा देखिए पुतिन ने क्या कसम खाई है। पुतिन ने धमकी दी है कि वैगनर ग्रुप ने देश को धोखा दिया, उसे सख्त सजा मिलेगी। वैगनर ग्रुप ने रूस के लोगों के बीच में छुरा घोंपा। वैगनर ने रूस की सेना को चुनौती दी, हम उसे तबाह कर डालेंगे। रूसी सेना हीरो की तरह है, देश को टूटने नहीं देंगे। रूस अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। विद्रोहियों ने रूसियों को बांटने की कोशिश की। पश्चिमी मशीनरी हमारे विरोध में खड़ी है और हम हर चुनौती और खतरों को साफ कर देंगे। ज़ेलेंस्की का मोहरा, वैगनर की बगावत। защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира.
их имя и славу. 16 महीने की जंग में यूक्रेन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। ये भी सच है कि यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत पर कब्जा करने में वैगनर ग्रुप ने शानदार जंग की है, जिसकी तारीफ पुतिन भी कर चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 25 मई को बखमूत से वैगनर के लड़ाके निकल गए और उनकी जगह रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। बासठ साल के वैगनर चीफ इससे पहले यही दावा कर रहे थे कि बखमूत में रूसी सेना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन पुतिन की सेना ने पूरे बखमूत को रौंद कर रख दिया। इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन ज़ेलेंस्की के संपर्क में थे और उनके साथ डील करने में लगे थे। हालांकि हारते ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को बचाने के लिए वैगनर ने बहुत बड़ी साजिश रच डाली है। कुछ खबरों के मुताबिक नेटो और पश्चिमी देशों से घातक हथियार, कंधे से चलाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें वैगनर ग्रुप के पास पहुंच चुके हैं। नेटो, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश रूस के अंदर दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, जहां मुजाहिदीनों से रूस को हरवाया गया था, क्योंकि यूक्रेन और नेटो को समझ में आ चुका है कि सीधी जंग में यूक्रेन रूस को कभी नहीं हरा पाएगा। इसलिए अब वैगनर को मोहरा बनाया गया है और इसलिए बार बार वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कमांडर इन चीफ को पद से हटाने पर अड़ा हुआ है, ताकि रूस जंग के मोर्चे पर कमजोर हो जाए। которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать, это домыслы. Мы никому не мешаем. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат. Герасимов и Шойгу. Рус жанта, что если один раз в русской андер халат хараб хуе, то пашчимий деш, НАТО и Юкрейн, рус пар бухе бедьон ки тара тут паденги. अब देखना होगा कि पुतिन कैसे वैगनर को सबक सिखाते हैं।